हेलो गाइस, सब लोग आप सबका स्वागत है जीटी फाइव की नई वीडियो में। तो गाइस यार, इतने दिनों से टीवी नहीं देखी, चलो यार देखते हैं न्यूज में यार क्या आ रहा है, लॉस सेंटोस में क्या चल रहा है। लॉस सेंटोस में होने जा रहा है रैम चैलेंज। ये रैम चैलेंज बहुत ही ज्यादा अलग है, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो इस एड्रेस पर आइए, और अगर आप जीत गए तो ये मिलने वाला है आपको प्राइस, तो जल्दी से आइए इस एड्रेस पर। पूरे भाई साहब कितना ज्यादा तगड़ा यार गोल्ड पड़ा था वहाँ पे, और यार गोल्डन प्लेन भी था यार, बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्राइस यार इस बार तो रैम चैलेंज में। इस बार तो यार मुझे और शिनचैन को वहाँ पे जाने चाहिए, जल्दी शिनचैन को बताता हूँ। शिनचैन, ओ शिनचैन, अरे चौप है, शिनचैन का गया भाई? आओ फ्रैंकलिन, वो बोल रहा था वो किसी रैम चैलेंज में जा रहा है। क्या रैम चैलेंज में? अभी अकेले चला गया क्या? अभी इसने मुझे बताया भी नहीं। अरे यार ये शिनचैन बिल्कुल ही पागल है भाई, अकेला क्यों चला गया? मुझे जल्दी से जाना चाहिए वो एड्रेस पर, फटाफट से चलते हैं। पता नहीं क्यों चला गया शिनचैन अकेला, वैसे तो हर बार मेरे साथ चलता है, पता नहीं इस बार क्यों अकेला चला गया। तो यार अपन भी चलते हैं उस रैम चैलेंज की तरफ। तो गाइस यार अभी तक आपने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और हम चलते हैं अपने रैम चैलेंज की तरफ। अरे भाई यार यहाँ पे कौन सा रैम चेंज होने वाला, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा यार। यहाँ पे तो बहुत ही ऊपर आ चुके हम टावर के ऊपर, और यहाँ पे तो वाटर पार्क बना हुआ है क्या? अरे भाई इतनी सारी स्लाइडें लगी हुई है, तो वाटर पार्क बना हुआ है, यहाँ पे कौन सा रैम चेंज होने वाला है? और यहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स भी आ चुके हैं, और यहाँ पे शिनचैन कहाँ पे? अरे शिनचैन कहाँ पे? यहाँ पे सारे के सारे देख सकते हो यार, सारे के सारे एवेंजर्स आ गए, यहाँ पे शिनचैन भी खड़ा है। अबे साले शिनचैन तू अकेला को चला गया, मेरे को क्यों लेके चला? अरे फिकी मैं इसलिए अकेले चला गया था क्योंकि यार मुझे ये रैम चेंज जीतना था। अरे क्योंकि ये एवेंजर्स यार मुझे कभी भी नहीं हरा पाते, पर आप ही हरा सकते थे, इसलिए मैं अकेला गया। और भाई देखो तुमको क्या बोल रहा है। अरे यार शिनचैन तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो यार। अरे मुझे तो ये बताओ भाई यहाँ पे कौन सा रैम चैलेंज होने वाला है, ये वाला रैम चैलेंज करना है कि साइकिल वाला? भाई ये तो बहुत ज्यादा इजी, इसमें तो मैं अभी अभी जीत के दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से साइकिल लेके जाओ, यहाँ से लेके जाओ, यहाँ से साइकिल मस्त खोदाओ, स्टंट मारो, फिर वापस से आओ, फिर वापस से स्टंट मारेंगे बढ़िया वाला, और यहाँ से फिर से स्टंट मारो। देखो भाई मैं तो कर भी लिया। ये रैम चैलेंज यहाँ पे नहीं होने वाला है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो गाइस यार हम लोग आ चुके हैं रैम चैलेंज के ऊपर, यहाँ पे हमें मोदी जी लेके आ चुके, और ये रैम चैलेंज यार बहुत ही ज्यादा हवा में है। आप देख सकते हैं सिर्फ बादल ही बादल हमें दिख रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ पे वो प्राइस पड़ा है जो कि मिलने वाला है जो भी जीतेगा, यानी कि मैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कितना ज्यादा ऊपर है ये, और नीचे सिर्फ बादल ही बादल दिख रहे, कोई बिल्डिंग दिख ही नहीं रही, और यहाँ पे वो गोल्डन प्लेन भी पड़ा है जो कि मैं जीतने वाला हूँ। मैं जीतूंगा यार। तो गाइस यार बिना किसी देरी के रैम चैलेंज को शुरू करते हैं, और ये हमारे सारे के सारे कंटेस्टेंट। अरे पहले मैं जाऊंगा, मैं ये रैम चैलेंज इजीली कर सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ कैप्टन। अबे चल चल पका मत, फटाफट से गाड़ी सेलेक्ट करो, निकल जल्दी रैम चैलेंज करके, गिर जा नीचे, फिर हमको आगे करने दे। अरे रुको रुको तो सरी, इतनी आसानी से कैसे? पहले मेरे को गाड़ी तो ढूंढनी थी अपने लिए। अरे यार मुझे कार वार नहीं चलानी, मुझे चलानी बाइक, कौन सी बाइक चलाऊं? अरे ये देखो मैं हायाबुसा चलाऊंगा। अबे तेरा मुंह देखा, तेरे सर में तो भूसा भरा हुआ और तू हायाबुसा चलेगा? अरे देखना तो सरी अभी ये रैम चैलेंज जब मैं कंप्लीट करूंगा और वो सारा का सारा पैसा मेरा हो जाएगा ना, फिर तुम बोलोगे। अरे देखते देखते हैं ये क्या चाहिए भाई। अरे ये क्या हो रहा है यार? और भाई सब यहाँ से तो खाली है और यहाँ से भी खाली है। अरे मोदी जी हमको करना क्या है? मित्रों दिमाग लगाओ दिमाग। अरे भाई यार ये क्या ही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तेरे को कुछ समझ भी नहीं आएगा, अभी देख मैं क्या करके दिखाता हूँ। चल देखते यार तू क्या करके दिखाता। और ये कैप्टन अमेरिका धीरे धीरे जा रहा है वापस बेचारा है, और इसने कुदा लिया अपनी गाड़ी, और यहाँ से भाई साहब कुदा लिया इसने अपनी गाड़ी। अरे मैंने तो पहले ही बोला था ये रैम चैलेंज मेरे बच्चों की चीज है यार, यहाँ पे देखो। अरे ये क्या फिर से यहाँ पे खड्डा कर रखा है? अरे मुझे समझ नहीं आ रहा भाई खड्डे क्यों कर रखे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ ना कुछ तो होगा यार इधर ना। अरे यार कुछ नहीं होगा, यहाँ से जाना है हमें। अरे ये क्या यहाँ पे भी खड्डा कर रखा है? अरे भाई यहाँ पे भी खड्डा कर रखा है, अबे अब क्या करेगा तू? अरे यार यहाँ पे जाऊंगा। अरे ये क्या? अरे भाई साहब ये क्या हुआ? अभी एक सेकंड के लिए हवा में उड़ा और ये नीचे गिर गया, और यार कैप्टन अमेरिका हो चुके डिस्क्वालीफाई, पता नहीं कैसे, कुछ समझ नहीं आया यार वो कैसे हवा में उड़ रहे थे। और यार अब आ रही है विजन की, और ये थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लग गई यार, अब यार हमारी गाड़ियां भी स्लिप होने वाली है, तो देखते हैं हमारा विजन क्या करके दिखाता है। अरे फकी भाई ये वाली गाड़ी तो मुझे लेनी थी। अरे भाई क्या कर रहे हैं, पहले विजन की चांस उसने ले लिया और ये यहाँ से जा रहा है। अरे 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 भाई क्या कर रहा है, क्या था? अरे भाई साहब अभी कितनी देर के लिए हवा में था, अभी मुझे लग रहा है वहाँ पे कोई इनविजिबल रोड है, पर मुझे सबको नहीं बताना चाहिए यार, ये मुझे काम आएगा। अरे भाई अभी तो हल्की बारी है, थॉर को जा रहा है। थॉर की जब मर्जी वो जा सकता है, थॉर ओडिन का पुत्र, बिजली का देवता, कुछ भी कर सकता है, ये रैम चैलेंज का चीज है। तो देखते हैं यार अभी थॉर क्या करके दिखाता है। और मुझे कन्फर्म था यहाँ पे एक इनविजिबल रोड है और बहुत ही तगड़ा भाई, अभी थॉर क्या कर रहा है? अरे भाई तो गोल गोल गाड़ियां घुमा रहा है, अभी भाई कितना ज्यादा बड़ा रोड है, देखो सही है इसकी पूरी
गाड़ी इधर उधर जा रही है और ये क्या हो गया, और यार ये तो नीचे गिर गया यार, और थॉर हो चुका है इस रेस से डिस्क्वालीफाई। अरे यार मेरा सूट खराब हो जाएगा बारिश में, इसलिए मुझे पहले जाने दो यार, मुझे फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठना चाहिए वरना मेरा सूट खराब हो जाएगा यार। तो थर्ड क्लास सूट बनवाता क्यों है, डरा मत यार, जा जा मैं कुछ नहीं बोल रहा। अरे मुझे ज्यादा बोल मत यार, मेरी गाड़ी देखो कितनी ज्यादा बड़ी है। और बस की गाड़ी तो बहुत ज्यादा स्लिप कर रही है, ये वापस से इधर ही जा रही है क्योंकि थॉर यार उसने सबको बता दिया कि यहाँ पे एक इनविजिबल रोड है और ये आयरन मैन ये कंप्लीट करते हैं और ये यहाँ पे ये जा रहा है और देखता है यहाँ पे कोई इनविजिबल रोड है क्या। और हाँ भाई साहब यहाँ पे भी एक इनविजिबल रोड है और आयरन मैन ने सबका सब कंप्लीट कर दिया और इसने अपनी गाड़ी खुदा ली है। और यार मैं बताना तो आपको भूल ही क्या कि यार हमको ऐसे खुदा के अपनी गाड़ी को उस स्विमिंग पूल में जंप कराना है, जो भी उस स्विमिंग पूल में जंप कराएगा वो ये रैमचैलेंज जीतेगा। वहां पे देखते तो कितना ज्यादा बड़ा स्विमिंग पूल है जहाँ पे हम पहले खड़े थे और ये तो उसके पास भी नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा दूर है और ये आयरन मैन हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई। उसके बाद गए हल्का यार अपनी बुगाटी लेके और उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, वहां से गाड़ी कुदा ली और वो जा रहे हैं क्योंकि वो गाड़ी से कूद चुकी क्योंकि गाड़ी उनकी बिल्कुल उल्टी साइड जा रही थी। और ये क्या हो गया यार, ये तो बिल्डिंग की टॉप पे जाके लैंड हो गए, पर इनको लैंड होना था स्विमिंग पूल में और यहाँ पे एक स्लाइड है इससे ये जाएंगे स्विमिंग पूल में, पर इससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि तुमको गाड़ी के साथ या फिर सीधा पानी में लैंड करना था। और ये हल जा रहे लुढ़कते पुढ़कते, क्या ये पहुंच पाएंगे स्विमिंग पूल में, फटाफट जाके कमेंट बता दो क्योंकि यार इनकी स्पीड से तो लग रहा है मुझे तो नहीं लगता ये पहुंच पाएंगे। और ये हल जाते हुए और ये रुक गए यानी हल्क भी हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई। फिंकी पे मैं जाऊंगे, अरे भाई शिनचैन पहले मेरे को जाने देना, एरी नहीं फिंकी पे मेरी पसंद की गाड़ी कोई ना कोई ले लेगा इसलिए पहले मैं जाऊंगे। अबे देखते हैं शिनचैन को कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है, भाई ये बोल रहा है मेरे को पसंद की गाड़ी चाहिए, अभी कौन सी चाहिए शिनचैन, एरी फिंकी पे ये वाली चाहिए। अबे भाई ये तो खटारा गाड़ी है इसमें मत जा, एरी नहीं फिंकी पे ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, अभी आप देखना है, चलो देखते हैं शिनचैन। अरे अरे शिनचैन उधर नहीं जाना, अरे अरे भाई अभी नीचे जाता भाई, अबे बक्से नहीं तो सीधा नीचे जाता है, तभी खेस नहीं अबे तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। और कैसे यहाँ पे शिनचैन अपनी गाड़ी बगा, अरे उधर नहीं एरी फिकी पे किधर जाने, अरे भाई तू देख लिया मुझे नहीं पता, एरी फिकी पे बता दो नहीं यार, अरे मुझे नहीं पता मैं कैसे बताऊँ, एरी फिकी पे देखो यार बारिश रुक गई। तो कैसे अब यार बारिश भी रुक चुकी और शिनचैन अब बिल्कुल सही रास्ते पे गया, एरी फिकी पे देखो नीचे बादल दिख रहे, एरी फिकी पे तो बहुत ही बढ़िया, अरे वो तू बादल का देख रहा भाई रैम चैलेंज चल रहा है फटाफट गाड़ी चला, एरी फिकी पे चला रहा नहीं टेंशन किस बात की, एरी देखो नीचे वो स्विमिंग पूल दिख रहा है, अरे भाई तो जा उसके अंदर कूद जाके फिर तो जीत सकेगा, एरी टिकी वेकी पे अभी जाता हूँ। तो गाइस अब जा रहे शिनचैन यार बाइक लेके, क्या ये पहुंच पाएंगे आपको क्या लगता है फटाफट से कमेंट में बता दो। और ये शिनचैन उसी तरफ जाते हुए क्या ये पूल में पहुंच जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बूझ लगाते हुए जा रहे, मुझे तो नहीं लगता ये पहुंच पाएंगे। और ये शिनचैन भी हो चुके हैं, अरे भाई क्या ही लैंडिंग करी भाई, पर शिनचैन भी हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई। अरे भाई यार ये वाली गाड़ी मुझे लेनी थी यार, ये सबसे तगड़ी गाड़ी थी यार बूस्ट वाली। अबे अबे उधर कहाँ जा रहे, अभी प्लेन क्रैश हो रखा है वहाँ पे, अरे उधर मत जा उधर मत जा। अरे थैंक यू फ्रैंकलिन। अरे मैंने इसको क्यों बता दिया भाई, नीचे गिर जाता तो मैं जीत सकता था, अरे यार मैंने क्या कर दिया यार। कैसे अभी पता नहीं कहाँ से प्लेन उड़ते हुए आया और ये क्यों कर रहे हैं भाई, वहाँ से प्लेन उड़ते हुए वहाँ पे आगे क्रैश हो चुका है और इसने स्पाइडरमैन बूस्ट का यूज करते हुए जा चुका है बहुत ज्यादा आगे, क्या ये कूद पाएगा अंदर पानी में जा पाएगा फटाफट से कमेंट में बता दो। और ये भी गाड़ी से कूद चुका है क्योंकि किसी की भी गाड़ी है उधर तक पहुंच ही नहीं पा रही और इसलिए जा रहा है बिल्कुल सीधा स्पीड में। और भाई अरे यार ये गया सीधा स्विमिंग पूल में और स्पाइडरमैन जा रहा है सीधा स्विमिंग पूल में और ये स्पाइडरमैन जीत चुका है। अरे मैं जीत गया, अरे नाचो नाचो, अरे ढोल बजाओ, अरे नगाड़े बजाओ, अरे मैं जीत गया। अरे भाई रुको थोड़ा सब्र करो। तो गाइस आपने देखा कि भाई स्पाइडरमैन यार गाड़ी से कूद के इधर आया था, तो यार अगर मैंने गाड़ी के साथ यार उस पूल में लैंडिंग कर ली जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर अगर मैंने कर दी तो यार ये मेरा रैम चैलेंज जीत जाऊंगा क्योंकि यार स्पाइडरमैन ने ऐसी गाड़ी से कूद गया था, तो यार मैं कोई बढ़िया सी गाड़ी पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी यार, ये मेरा आखिरी मौका हो सकता है, मैं एक काम करता हूं ये वाली गाड़ी ले लेता हूं बढ़िया लग रही है, नहीं यार ये वाली गाड़ी नहीं लेते यार ये मुझे बेकार लग रही है, अबे ये वाली लेते हैं ये मस्त है चलेगी, अरे नहीं यार ये नहीं चलेगी अच्छी, एक काम करता हूं ये वाली लेता हूं ये सबसे बढ़िया लग रही है मुझे ये वाली गाड़ी और ये मस्त यार चल भी रही है। तो गाइस ये वाली गाड़ी मैंने बिल्कुल सेलेक्ट कर ली, इस वाली बाइक पे मैं जाने वाला हूं ये रैम चैलेंज करने और इसके आगे देख सकते हो मस्त यार भूत भी लगा हुआ है, तो फटाफट चलते अपनी गाड़ी लेके और यार मेरे को कैसे भी करके बस जीतना है अपनी गाड़ी के साथ जाके उस यार पूल में कूदना है, मुझे पता है यार यहां से वो रास्ता था और यहां से अपन चलते हैं यार, अपन बिल्कुल सिंपल रास्ता करेंगे कोई अपन को रिस्क वेस्ट नहीं लेना, जहां पे मुझे पता है पूरा का पूरा उधर जाएंगे और यहां से खुद आते हैं अपनी गाड़ी। और मैं जा रहा हूं क्या मैं पहुंच पाऊंगा, क्या मैं पहुंच पाऊंगा, प्लीज लाइक कर दो यार, क्या पता मैं पहुंच जाऊं फटाफट जाके और मैं पहुंच रहा हूं। अरे अरे मेरी गाड़ी क्यों घूम रही है, अरे बेकार गाड़ी, अरे यार ये क्या हो गया यार मेरी गाड़ी पूरी घूम गई यार।
तो गाइस यार आज के रैम चैलेंज के विनर है स्पाइडरमैन। अरे स्पाइडरमैन मैंने तेरे को बताया था कि सामने प्लेन क्रैश है, थोड़ा गोल्ड वर्ड मुझे भी देना। अरे निकल यहां से, मुझे पहले से ही पता था वहां पे प्लेन क्रैश रुका है। अबे तेरे को पहले से पता था, अभी तेरे को पता था, साले निकल यहां से। कह यार साला, एक तो मैंने इसको बताया कि प्लेन क्रैश हो रहा है, मैं तो पैसे भी नहीं दे सकता भाई, इतने सारे गोल्ड मिले ना, थोड़ा सा गोल्ड दे दे यार, छोड़ो इसको यार। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो, फटाफट जाके कमेंट में बता दो। इस रैम चैलेंज की विनर स्पाइडरमैन, वो अभी जाके बेहोश पड़े, पता नहीं किसने मारा, मेरे को क्या पता किसने मारा। तो अगले रैम चैलेंज में हम कोशिश करेंगे जीतने की। तो गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड करें, डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लो। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।